खरीदारी शुरू हो जाएगी जिससे मोमेंटम रहेगा। ऑयल एंड गैस एक स्पेस है जहां पे थोड़ी सी मोमेंटम देखने को मिल रही है, उसी स्पेस में से एक स्टॉक है गेल, गेल इंडिया। गेल एक न्यू ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, जो आपके 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, ये प्लांट है फॉर जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ये मध्य प्रदेश में ये अप्रैल में एक कमीशन करेंगे। तो हमें लगता है कि जो ऑयल एंड गैस स्पेस में, स्पेशली जो गैस स्पेस में, अब जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी के प्रति फोकस बढ़ेगा और इनके चलते इन जो लेगेसी यूटिलिटीज में काफी रिरेटिंग होगी। हमने देखा पावर स्टॉक्स में भी काफी जो रिन्यूएबल एनर्जी का पेनिट्रेशन बढ़ा, जिसकी वजह से टाटा पावर एनटीपीसी में काफी मार्केट ने उन्हें रिरेटिंग दिया। ओवरऑल हमें लगता है कि एक केपेक्स अप साइकिल है जिसकी वजह से भी गेल को बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल एबिटा में 14% का ग्रोथ हम अनुमान करते हैं अगले 2 सालों में। जो राइजिंग नेचुरल गैस ट्रांसमिशन है और जो उनकी जो अदर बिजनेस है, पेटकेम सेगमेंट है, वहां पर भी हमें लगता है कि बिजनेस काफी इंप्रूवमेंट होगी। डिविडेंड यील्ड भी 2% का है जो अट्रैक्टिव है और डाउनवर्ड सपोर्ट को देता है। तो हमारा 1 ईयर का टारगेट है 215 और हमें मिड कैप में ऑयल एंड गैस स्पेस में अच्छा लगता है गेल इंडिया। तो गेल पसंद आ रहा है खेमका साहब को इस समय, और डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट सुबह से जो ऑयल एंड गैस स्पेस है वहाँ पर आपको अच्छी मूव भी आती हुई दिख रही है, तो इस पर भी रखते हैं नज़र।